तो जी घर में जब भी चावल बच जाए तो उसका फ्राइड राइस बनाएं। उसका फ्राइड राइस कैसे बनाएंगे, उसके लिए थोड़ी सी हमें धनिया लिया है, मिर्चा लिया है, प्याज लिया है, शिमला मिर्च, एक टमाटर और पत्ता गोभी। पत्ता गोभी पसंद के ऊपर है, नहीं पसंद है उसको स्किप कर सकते हैं, कम पसंद है कम लेंगे, फिर चॉपर में चॉप कर देंगे। जी मेरा तवा हो गया है, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे चावल के हिसाब से और सब्जी के हिसाब से जो मैंने चॉप करके रखी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस। और ऑयल होने के बाद हम इसमें ज़ीरा डालें। तो जी मैंने इसमें हाफ टेबल स्पून ज़ीरा डाला था जो कि हो गया है। अब हम इसमें चॉप किए हुए सारे वेजिटेबल्स डाल रहे हैं। तो जी इसको अच्छे से सॉटे करते रहिए। स्वाद अनुसार नमक डालिए, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है लेकिन हमने टेस्ट के साथ नमक डाला। ज़रा सी हम हल्दी लेंगे इसमें डालने के लिए। तो जी देखिए जैसे कि हमारी सब्ज़ी हो गई है और ज़रा सा भी ऑयल वॉयल नहीं है इसमें, और अब हम इसमें ये वाले राइस डालेंगे बचे हुए। तो जी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसको 3 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। तो जी अभी इसमें हम मैगी मसाला डालेंगे एक पैकेट पूरा। तो जी मैंने इसमें अच्छे से मसाला मिक्स कर दिया है, अब हम इसको 5 मिनट ढक कर रखेंगे फिर से। तो जी मेरा टेस्टी टेस्टी फ्राइड राइस रेडी हो गया है और आप लोग भी इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।